हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मुल्तानी मिट्टी स्क्रब सोप बार बनाएंगे। आप इसे एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स तो आप सब लोग जानते ही हैं। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग तो बनाती ही है, साथ ही हमारी स्किन पर से सारे डार्क स्पॉट्स रिमूव कर हमारी स्किन टोन को भी इवन बनाती है। मुल्तानी मिट्टी में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन पर से सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करके हमें एक्ने, पिंपल्स और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन होने से भी बचाती है। साथ ही स्क्रब बार हमारी स्किन पर से सारी इम्प्योरिटीज और डेड स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देता है। तो आइए मुल्तानी मिट्टी स्क्रब सोप बार बनाना शुरू करते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्क्रब सोप बार बनाने के लिए मैंने ये 3 चम्मच मुल्तानी पाउडर ले लिया है, ये मैंने 1 चम्मच चंदन पाउडर ले लिया है, ये मैंने गुलाब जल लिया है, 1 विटामिन ऑयल का कैप्सूल लिया है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, और ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर डालेंगे। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन पर क्लीजनर का काम करती है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये एक नेचुरल स्क्रब भी है, जो कि हमारी स्किन पर से सारे दाग धब्बों को और यहाँ तक कि सन टैन को भी रिमूव कर देता है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर डालेंगे। चंदन पाउडर में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती हैं। साथ ही हमारे ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स की समस्या को भी एकदम दूर कर देता है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सप्पल बना देता है। और अब हम इसमें 1 विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें 1 विटामिन ऑयल का कैप्सूल जरूर ऐड करें। तो अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। गुलाब जल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन पर निखार लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और डालेंगे, पर मेक श्योर कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही गुलाब जल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसका काफी गाढ़ा पेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर हमारा पेस्ट थोड़ा सा भी पतला हो गया तो हमारी सोप अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा जब भी सोप को बनाएं तो गुलाब जल को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इस मिक्सचर को हाथ में लेके इसे सोप की शेप देंगे। तो यहाँ आप देखिए ये कितने अच्छे से बाइंड हुआ है। तो अब हम इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारी सोप बार अच्छे से सूख गई है। आप इस सोप बार को हफ्ते में 2 दिन एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं। यह स्क्रब बार हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। यह स्क्रब बार एक बहुत अच्छा क्लीजनिंग एजेंट है, जो कि हमारी स्किन पर से सारे डार्क स्पॉट्स और डेड स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सपल बना देता है। प्लस ये हमारी स्किन पर से सारे एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमें एक्ने, पिंपल्स और प्लेमिशेस होने से भी बचाती है। और फ्रेंड्स, इस सोप बार की खास बात यह है कि हमने इसे बिना कोई केमिकल ऐड करे बनाया है, तो इसलिए 100% नेचुरल और 100% इफेक्टिव है। तो इसलिए आप भी इसे एक बार जरूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।